हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाने के लिए 8-10 कलियाँ लहसुन की छील लेंगे, 3 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। सभी चीज़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, सभी चीज़ों को इस तरह से काट लेना है। क्रशर में दरदरा कूट लेंगे या मिक्सी में पीस लेंगे। 600 ग्राम आलू, आलूओं को साफ़ पानी से धो के उबाल लेंगे और हल्का ठंडा होने के बाद इनका छिलका उतार लेंगे। आलू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, इनको मैश कर लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों को चटकने देंगे। करी पत्ते डालेंगे साफ पानी से धो के। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। चला देंगे थोड़ी देर के लिए, लो फ्लेम पे भून लेंगे। मसाले को मैंने 1/2 मिनट के लिए भूना है। मसाले में से अच्छी खुशबू आने लगी है। मैश किए हुए आलू डाल देंगे। 2-3 चुटकी हल्दी डालेंगे। 1/4 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मैंने देगी मिर्च ली है, ये तीखी कम होती है। लाल मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप इसकी भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे आलूओं में। लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। चलाते रहेंगे लगातार। आलू मैंने 2 मिनट के लिए भुने हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आलू भून गए हैं। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। बैटर बनाने के लिए 200 ग्राम बेसन को छन्नी में छान लेंगे। इसमें डालेंगे 2-3 चुटकी हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, देगी मिर्च ली है मैंने, ये तीखी कम होती है। 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। बैटर बनाने के लिए पानी रूम टेम्परेचर पे लेंगे। विस्कर या स्पून की हेल्प से इस तरह से फैट लेंगे बेसन को। पानी मैंने मेजरिंग कप से नाप के लिया है। बैटर बनाते समय ध्यान रखें, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। 240 ml पानी पूरा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, बैटर में गुठलियाँ ना रहें। बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा पानी और डालेंगे। बैटर को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने पानी 1 टेबल स्पून से नाप के डाला है। 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून पानी और डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। टोटल 3 टेबल स्पून पानी और डाला है मैंने। ये देखिए, इतना गाढ़ा बैटर बनाना है। आलू का मसाला ठंडा हो गया है, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरह से और छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बना लेंगे। सभी बॉल्स बन गए हैं। आलू बॉल को बैटर में डीप करेंगे। बड़े आप हाथ से भी बना सकते हैं और चम्मच से भी बना सकते हैं। इस तरह से बैटर में कोट करेंगे आलू बॉल को और एक्स्ट्रा बैटर को इस तरह से घुमा के निकाल देंगे। चम्मच से बनाने के लिए आलू बॉल को बैटर में डीप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। वड़े फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गर्म करेंगे। तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर तेल में डाल के देखेंगे। बैटर तैर के तुरंत तेल के ऊपर आ गया है, लेकिन जला नहीं है। हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं तेल में। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है वड़े फ्राई करने के लिए। वड़ों को एक एक करके तेल में डालेंगे, एक साइड से डालेंगे। तेल गर्म है, ध्यान से फ्राई करेंगे वड़े। एक साथ जितने वड़े आसानी से तेल में आ जाएं उतने ही फ्राई करने हैं। ये देखिए, इस तरह से एक साइड से डालेंगे चम्मच की हेल्प से। वड़ों को थोड़ी देर के लिए नीचे की साइड से फ्राई होने देंगे। 1 मिनट हो गया है वड़ों को नीचे की साइड से फ्राई होते हुए। एक एक करके इस तरह से पलट देंगे। पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। एक बैच फ्राई हो गया है, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बचे हुए बैटर से लहसुन की सूखी चटनी बनाएंगे। लहसुन की सूखी चटनी बनाने के लिए
बैटर को चम्मच से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालेंगे। पलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बेसन का चूरा क्रिस्पी हो गया है, निकाल लेंगे कढ़ाई में से। हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्ची को साफ पानी से धो लेंगे और इनके ऊपर लगे पानी को सूती कपड़े से साफ कर लेंगे। मिर्ची में फ्राई करने से पहले इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम हरी मिर्च को फ्राई करेंगे गरम तेल में, मिर्ची तेल में जाने के बाद पटकेगी नहीं और उछल के हमारे ऊपर नहीं आएगी। मिर्ची फ्राई करते समय कढ़ाई से थोड़ा दूर रहेंगे। मिर्ची को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है। मिर्ची फ्राई हो गई है, निकाल लेंगे तेल में से, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। लहसुन की सूखी चटनी बनाने के लिए हमने ये जो बेसन का चूरा बनाया है इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे या क्रशर में कूट लेंगे। 8-10 कलियां लहसुन की छील लेंगे और इस तरह से काट लेंगे, ये भी डाल देंगे। नमक डालेंगे, मैंने आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, मैंने देगी मिर्च ली है पिसी हुई, आप सूखी साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, दरदरा कूटेंगे। फ्राई की हुई हरी मिर्च के ऊपर एक चुटकी नमक डालेंगे। वड़ा पाव को सर्व करने के लिए पाव को इस तरह से हाथ से तोड़ लेंगे या चाकू की हेल्प से काट लेंगे, हाथ से भी ये आसानी से टूट जाते हैं। पाव लेंगे और पाव के बीच में चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगा लेंगे। एक साइड से कट लगाना है, एक साइड से जुड़ा रहने देंगे इस तरह से। पाव के बीच में हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस तरह से इसके अंदर चटनी लगाएंगे। हमने जो लहसुन की सूखी चटनी बनाई है वो रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से सूखी चटनी रखेंगे। अब इसके अंदर रखेंगे वड़ा और इस तरह से हल्के हाथ से दबा देंगे। इस तरह से, ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के से दबाएंगे और फ्राई की हुई हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे वड़ा पाव को। अगर आपको वड़ा पाव की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।